गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज हम लोग क्लास 11th की जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसमें तीन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे कि व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज विद एग्जांपल। तो फर्स्ट जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक, इंडिविजुअल जैसा कि नाम ही है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब क्या है? एक 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 कोई भी ऐसा डेटा जो क्या है, एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट करे, एक एक पर्सन को रिप्रेजेंट करे, इस तरह के जो भी डेटा हम तैयार करते हैं उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, यहाँ पर उनका सपोज करो हिंदी में टेस्ट हुआ, हिंदी में क्या हुआ? टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का क्या हुआ? टेस्ट हुआ। और इनका जब रिजल्ट आउ हुआ तो जो 10 स्टूडेंट हैं, सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, पांच इधर। तो इनका मान लो 2 मार्क्स था, इनका 5 मार्क्स था, इनका 10 मार्क्स था, इनका 15 मार्क्स था, इनका 18 मार्क्स था, किसी का 25 आउट ऑफ 25 होगा, किसी का 22 होगा, किसी का 19 होगा, किसी का 23 होगा, और इसका भी सपोज कर लोगे 14 है, ठीक। इस तरह से 10 स्टूडेंट थे, इनका सेपरेट डेटा हमने तैयार किया कि ए जो स्टूडेंट था वो 2 मार्क्स पाया हिंदी में आउट ऑफ 25 में, बी कितना पाया? 5, सी 10, डी 15, ई क्या है? 18, एफ 25, जी 22, एच क्या है? 19, आई क्या है? 23, एंड जे 14। इस तरह से जब डेटा हम कोई तैयार करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट ऑन बाई पर्सन या पर्सन टू पर्सन या तो यूनिट टू यूनिट, मतलब किसी भी डेटा को जब हम इंडिविजुअल एक एक करके हम शो करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। आई होप कि आप लोग को जो इंडिविजुअल डेटा है आप ये समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या हुआ, कि जो ऐसा डेटा जो हम किसी एक एक पर्सन का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका क्या है, स्थिति क्या है, या उनके बारे में जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बताते हैं। तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डेटा, ठीक। सेकेंड है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है उसको भी देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज। तो अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज मतलब जैसा ऐसा कोई भी डेटा जैसे कि हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, तो हमारा डेटा क्या होता है? बहुत बड़ा है, और उसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेटा जो क्या करता है, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होता है, मतलब कि सपोज कर लो कि हमारे यहाँ 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारा कोई कंपनी उसमें क्या है 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि 5000 सैलरी हो जो किसी एक का ना हो, एक के अलावा किसी और को ही 5000 सैलरी मिलता हो, 10,000 सैलरी मिलता है, तो वो एक को तो मिलता ही 10,000, हो सकता है 10,000 किसी और को भी सैलरी मिलता हो। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उस तरह का हम डेटा क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट सीरीज। इसमें जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, हम यहाँ बता दे रहे हैं एक एग्जांपल लेकर कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पर 28 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। इनका क्लास 11 का क्या है? डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स में कैसे दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। ट्वेंटी है, 25 है, 15 है, एक और 15 है, 10 है, 25 है, इसके बाद क्या है? 15 है, 10 है, फिर 15 है, 20 है, 20 है, 10 है, 15 है, 10 है, फिर 10 है, 15 है,
उसके बाद 20 है, 10 है, फिर 15 है। यहाँ पर सपोज करो 15 के बाद क्या है, 20 है। कितने हुए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हम सपोज करो 20 ही स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो 28 स्टूडेंट लिखे हैं, यहाँ पर सपोज करो 20 स्टूडेंट हैं, ठीक। अब ये 20 स्टूडेंट का यहाँ पर क्या मार्क्स शो किया गया है। अब इसमें देख रहे हैं कि जो ये 20 स्टूडेंट थे, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो नंबर वो गेट किए हैं, पाए हैं, दो दो तीन तीन चार चार बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर गेट किए हैं। तो ये इसको बोलते हैं एक तरह से रॉ डेटा। ये क्या है, रॉ डेटा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी वाले डेटा में, डिस्क्रीट सीरीज को क्या करते हैं, हम फ्रिक्वेंसी डेटा को के साथ उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे टैली मार्क्स, टैली मार्क। अब टैली मार्क्स क्या होता है, जैसे हमको यहाँ पर क्या है, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे, 1। 2 को लिखेंगे तो 2 लाइन, 3 को लिखना है तो 3 लाइन, 4 को रिप्रेजेंट करना तो 1, 2, 3, 4, बट 5 को रिप्रेजेंट करना 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। सपोज मैं 6 रिप्रेजेंट करना तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 इधर। 7 रिप्रेजेंट करना तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हुआ, 4 के बाद 5वां कट जाता है, 6, 7, ठीक। इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमको इसी डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है विद टैली मार्क्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखना। यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पर क्या होगा मार्क्स, एक कॉलम ही होगा, सेकेंड होगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यहाँ पे मार्क्स पाने वाले जो जो है उसका हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 10 मार्क्स पाने वाले भी हैं, 15 भी पाने वाले हैं, और 20 पाने वाले हैं, और 25, यही चार प्रकार के नंबर इनको पाने वाले स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर 10 चेक करना कि 10 कितने हैं, 10 तो यहाँ चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट, 6, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होगी, 6। 15 की बात करें तो 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी, 7। 20 मार्क्स पाने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 5। 25 मार्क्स पाने वाले 1, 2, केवल 2 स्टूडेंट हैं, इसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी, 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 7, 6, 13, 5, 18, 2, 20, 20 लोग यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं, तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट हैं। इस तरह के जब डेटा हम तैयार करते हैं तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। इस तरह की सीरीज जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज देयर आर 6 टाइप्स, यहाँ पर 6 टाइप्स के कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ना है, बट उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी पहले हम ये सीखेंगे व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज पहले होता क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज अगर देखें तो इसका अगर हम एग्जांपल ले, यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज लो ये जो 28 स्टूडेंट थे, मैंने इरेज कर दिया गलत क्या, ये जो 28 स्टूडेंट थे या 20 स्टूडेंट थे, इनका क्या है, जैसे कि हम एक और यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल कि देर आर 34 स्टूडेंट्स, देर आर 34 स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका मार्क्स अब रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, क्या है, 8 है, 10 है,
12 है, 16 है, 18 है, 18 के बाद 24, 28, 31, 38, 49, 50, 53, 58, 56, 39, 43 एंड 48। इसके बाद है 44, 41, 49, 55, 59, 63, 69, 61, 74, 29, 27, 22, 34, 39, 32, 44 और 78। सपोज को ये डेटा दिया है, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द मार्क्स गिवेन बिलो आर 34 स्टूडेंट्स प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20 एंड सो ऑन। अगर यह डेटा है तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस सीरीज इसको बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। पहले हमें यहाँ पर तैयार करते हैं, पहला क्या होगा कॉलम क्लास का, ये क्या होगा क्लास, ठीक। दूसरी क्या होगी फ्रीक्वेंसी की, दूसरी क्या होगी फ्रीक्वेंसी की। अब इसमें देखो क्लास, अगर मिनिमम देखा जाए तो 8 यहाँ पर दिख रहा है, मतलब हम 0 टू 10 इसमें क्वेश्चन बोला है कि ऐसा बनाना है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट की यहाँ पर है 78 है, और इससे भी हाईएस्ट अगर दिख रहा है आपको 78 है, दैट मीन्स कि फिर 52, 60, 62, 70 और 72, 80। ये क्या मैंने क्लास बना लिया। अब इसमें ये सर्च करना है कि 0 टू 10 मतलब 0 टू 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मतलब इसके बीच में 0 से स्टार्ट करेगा और 10 से कम। इसमें देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ 0 टू 10 लिखा हो तो सपोज करो 10 मार्क्स ही कोई पाया, वो किस में जाएगा, तो 10 मार्क्स पाने वाला इसमें नहीं होगा, वो क्या आएगा नेक्स्ट सीरीज में। इसका मीनिंग हुआ 0 लेस फ्रॉम 10, 0 से क्या है 0 से अधिक, मोर देन 0 एंड लेस 10, लेस से क्या है और सॉरी 10 से कम होगा और 0 से अधिक। जितने भी स्टूडेंट मार्क्स इसमें गेन किए उसको हम इसमें लिखेंगे। पहला देखें हम एक एक काउंट करेंगे, ओके के कट जाएंगे। 8 मार्क्स इसी में आएगा 1, 0 टू 10 में कितने मार्क्स कितने है, एक स्टूडेंट केवल मार्क्स पाया है ऐसा। अगर हम सेकंड बात करें 10 टू 20, तो 10 हमने बताया सेकंड वाले में आ गया था 1 2 3 4, कितने स्टूडेंट है 4, इसमें लिखेंगे क्या 4, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। अगर हम बात करें 20 टू 30, 20 टू 30 में 1 2 20 टू 30, तो 2 2 2 2 3 4 5, कितने स्टूडेंट हैं 5, ठीक। अगर 30 टू 40 की बात करें, 30 टू 40 में तो 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट हैं। 40 टू 50 की बात करें तो 40 टू 50 में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें आएगा 39 क्या होगा 40 टू 50 में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, 5 5 6 हो जाएगा। अगर हम 40 टू 50 देखें तो 40 टू 50 में 1 2 3 4 5 6 6 7, कितने स्टूडेंट हैं 7। 50 टू 60 की बात करें तो 50 टू 60 में 1 2 3 4 5 6, कितने स्टूडेंट हैं 6। 60 टू 70 की बात करें तो 60 टू 70 में 1 2 3 3 है, और 70 टू 80 की बात करें तो 70 टू 80 में कितने स्टूडेंट हैं 1 2, कितने स्टूडेंट हैं 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। अगर इसको हम सारा सम करें तो कितना कितना चाहिए,
34 आना चाहिए। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, 4, 5, 5, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 3, 23, 6, 29, 29, 30, 30, 4, 34 34 एग्जैक्ट क्लियर है। तो ये क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट है 0 to 10 मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में जो नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 1। अगर 10 to 20 की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 4। 20 to 30 की बात करें तो 5। 30 to 40 की 6। 40 to 50 का 7। 50 to 60 का 6 और ये 3 और ये 2, ये सारे स्टूडेंट हैं। अब देखो इतने बड़े डेटा को हमने एक छोटे डेटा में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा और ये मेरा क्या है, मेन डेटा है। इसी डेटा को हम लोग बोलते हैं, इसी सीरीज को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। यह सीरीज क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, इसमें कहीं ऐसा एंडिंग नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि इसे 70 to 80 हो गया। अगर इसमें डेटा बढ़ रहा है तो 80 to 90, 90 to 100, 100, 10, 10 to 120, 120 to 130 ऐसे क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो इस डेटा को या इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें कुछ स्पेशल छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब होते क्या है। तो हम एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनका यूज़ आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें उसका यूज होगा, ठीक है। जैसे पहला अगर बात करें, दिया है क्लास, पहला क्या है क्लास। तो क्लास क्या होता है, यही जो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास। जैसा मैंने कि पहला लिखकर बताया था, इसी को क्या बोलते हैं क्लास, डेट इज कॉल्ड क्लास। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी काउंट करेंगे उसको नंबर ऑफ क्लास बोलते हैं। क्लास लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स का मतलब क्या हुआ कि कौन सी क्लास, जो वैसे है कि ये क्लास है मान लो 10 to 20, ठीक, इसको बोलते हैं एक क्लास। इधर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, और इस साइड को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोअर लिमिट है, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको लोअर लिमिट, और उसी क्लास का जो बड़ी वैल्यू उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। क्लास इंटरवल मतलब ये क्या है, क्लास इंटरवल मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक उसकी अंतिम हुई। विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास क्या होता है, जैसे कि रेंज जानते हैं आप, रेंज पढ़े होंगे कि व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू फार्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है विस्तार, कहाँ से कहाँ तक मेरा विस्तार है, इस क्लास की कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है। तो हम इसको में क्या करेंगे, 10 - 0 करेंगे, आएगा क्या 10, मतलब इसकी रेंज कितनी है 10 है, ठीक। और अगर इसमें देखते हैं तो रेंज मैंने बताया था, मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अगर हमको विड्थ निकालनी है तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। तो मिड पॉइंट इक्वल टू अगर हमको फाइंड करना है तो मिड पॉइंट इक्वल टू होता है, एक एक फार्मूला नहीं, मिड पॉइंट इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है मिड पॉइंट। अगर कोई भी क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा मिड पॉइंट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको पता है, क्लास फ्रीक्वेंसी जैसे कि 0 to 10 यहाँ पे मान लो 10 है तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 10। 20 to 30 मान लो 15 लोग हैं तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 15। बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एक करके। बाकी आगे इसके जो भी है, एक दो टॉपिक और है, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।